सचिन पायलट कर्नाटकना परिणामों खासा उत्साहित है। कर्नाटक में भाजपनी सरकार सामे 40% कमीशन खोरी भ्रष्टाचार आरोपों कांग्रेस ट्रम्प कार्ड साबित था। हवे पायलट गहलोत सरकार ने वसुंधरा सरकार ने सामे आरोपों की तपास की मांग करता कहूं कि कार्यवाही नहीं करो तो जनता ने शू जवाब आपशो। राजस्थान कांग्रेस जनसंघर्ष यात्रा पर निकलेला नेता सचिन पायलट कर्नाटक में पार्टी की जीत थी उत्साहित है अने राजस्थान में पण कांग्रेस की सरकार बनशे तो विश्वास व्यक्त करी रहा छे। जो बहुत पैसे वाले हैं उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जिस व्यक्ति को पेट काट के मेरे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है वो व्यक्ति जानता है कि दिहाड़ी क्या होती है, रोज पैसे कमा के चूल्हा जलाना क्या होता है। तो उन लोगों को करप्शन सबसे ज्यादा प्रभावित उनको करती है, इम्पैक्ट करती है। और कर्नाटक में हमने जो आरोप लगाया था बीजेपी सरकार के ऊपर 40% कमीशन सरकार, भ्रष्ट सरकार, वो आरोप कहीं ना कहीं सच लोगों ने माना, इसलिए कांग्रेस को भारी बहुमत दिया है। तो हमको जो विश्वास जनता का प्राप्त हुआ है वो हमारे जो करप्शन के एलिगेशन थे और हमारी 5 गारंटीज थी उसको देखकर जनता ने। अब हम जब सरकार बना रहे हैं तो हम लोगों को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना, बुम्बई सरकार के जो करप्शन इश्यूज उनको टेकअप करेंगे। ठीक वही मांग मैं राजस्थान में तो कर रहा हूँ, पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। परंतु राजस्थान ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामे वसुंधरा राजे सरकार ना कथित भ्रष्टाचार ना आरोपों की तपास की मांग करनारा पायलटे आड़कतरी रीते एवी बात कही छे के जेना राजकीय गुठार्थू राजस्थान में नवा राजकीय खेल ना मंडाण करी शके छे। ऐसा होता है जब हम सरकार में होते, गवर्नमेंट में होते हैं तो प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री होता है। 2018 में हम विपक्ष में थे, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं सबके पास गया, मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, छोटे बड़ों को मनाया, नेताओं को, क्योंकि मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, मेरी जिम्मेदारी थी। सबको साथ लेकर लड़े और हम सरकार बना गए। हमारे पास 21 विधायक थे 2013 में, 5 साल तक सबको साथ लेकर चले तभी तो हम कामयाब हो सके। अब जब सरकार बन जाती है तो प्रदेश का मुखिया चेहरा मुख्यमंत्री जी होते हैं हमेशा, तो मुझे लगता है हमें साथ मिलने करने की कार्रवाई करने की जरूरत है। वही एक तरीका है आगे ये परंपरा को तोड़ने का, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। लेकिन जो इश्यूज हैं जो हमने अपने मुंह से वादे किए लोगों को, मैंने भी किए, गहलोत साहब ने भी किए, वसुंधरा जी पे आरोप लगाए ना हमने, खान घोटाला, बजरी घोटाला, लैंड घोटाला, शराब माफिया, सदन के अंदर लगाए हैं, हर पब्लिक मीटिंग में लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। अब 4.5 साल बाद हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनता के बाद जब वोट लेने जाएंगे क्या बोलेंगे हम। सचिन पायलट की बात कांग्रेस हाईकमांडे लगभग सांभळवानी बंद कर दी थी। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेतृत्व नु समर्थन मळतु देखाई रह्यु छे, त्यारे राजस्थान में विधानसभा चूंटणी सुधी में पायलट माटेना कांग्रेस नी अंदर ना राजकीय विकल्पो मर्यादित थता देखाई रहा छे। आवा संजोगों में हवे पायलट शू करशे तेना पर सौनी नजर छे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत पर तमाम विपक्षी नेताओं भाजपा ने घेरे छे, त्यारे आ बधा वच्चे एक मोटो सवाल उभो थयो छे के शुं आगामी लोकसभा चूंटणी में कांग्रेस भाजपा ने टक्कर आपी शके छे। कर्नाटक में कांग्रेस भाजपा ने जोरदार हार आपीने राज्यनी सत्ता पोताने नाम करी लीधी छे। कांग्रेसे अहीं 224 मांथी 135 बैठको मळी, ज्यारे भाजप मात्र 66 बैठको मेळवी शकी। तेवामां राजकीय पंडितोमां चर्चा छे के शुं आ कांग्रेसनो फरीथी उदय छे अने हवे कांग्रेस भाजपने 2024 टक्कर आपी शकवानी स्थितिमां छे। जो विपक्षनी तैयारी सारी रहेशे तो कदाच भाजपने पड़कारनो सामनो करवो पड़ी शके छे। वात जो कर्नाटक अने हिमाचल प्रदेशमां कांग्रेसनी जीतनी करीए तो ताजेतरमां थयेली चूंटणीमां बे मोटा राज्योमां कांग्रेसे सत्ता मेळवी छे, परंतु राज्यनी चूंटणी परथी लोकसभानी चूंटणीनी आगाही संभव नथी। तेनुं सीधुं कारण छे के राजकीय मुद्दाओ पूर्ण रीते अलग हशे। ओडिशानी ज वात करीए तो राज्यनी जनता नवीन पटनायकनी बीजेडीने पूर्ण समर्थन आपे छे, परंतु लोकसभानी चूंटणीमां भाजपे अहींथी पण केटलीक बैठको जीती छे। आवी ज स्थिति दक्षिण भारतनी छे। અહીંયા પણ વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન જનતાનો ઝોંક જે પક્ષ તરફ હોય છે તેવું લોકસભાની ચૂંટણીમાં બનતું નથી। ભાજપ પણ અહીં લોકસભાની ચૂંટણીમાં સારો એવો વોટશેર મેળવે છે, તેનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે વિધાનસભા ચૂંટણીના જોરે લોકસભાની ચૂંટણી જીતવી સરળ નહીં હોય। કર્ણાટકની વાત કરીએ તો રાજ્યની જનતાએ ધ્રુવીકરણના મુદ્દાને નકારી દીધો છે। બીજી તરફ કોંગ્રેસમાં એક સારી લીડરશીપ પણ જોવા મળી। રાહુલ ગાંધી સહિત પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતાઓએ રાત દિવસ પ્રચાર કર્યો। પહેલાની તુલનામાં પ્રચારની શૈલીમાં પણ ઘણું પરિવર્તન જોવા મળ્યું। સ્થાનિક નેતાઓને મહત્વ આપવામાં આવ્યું। ભાજપ કરતા એકદમ ઉલટ કોંગ્રેસે રાજ્યની જનતા સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓને ઉઠાવ્યા। આ હારથી ભાજપે સબક લેવો જરૂરી છે કે ઉત્તર ભારતની રાજનીતિ દક્ષિણ ભારતમાં નહીં ચાલે। દક્ષિણ ભારતમાં વિકાસના મુદ્દાઓ ઉપર જ ચૂંટણી લડવામાં આવશે। જનતા તેમના હિતની વાત કરનારાઓને સત્તા સોંપે છે। આવી સ્થિતિ દક્ષિણ ભારતની આગામી ચૂંટણીમાં પણ જોવા મળી શકે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, GSTV।